छोटी थी मेरी राजू तभी तो हमने लगवाई आगे लाइटिंग अभी।
चाहिए अभी एक स्टार्ट मेरा ब्लूटूथ गिर गया यार। क्या गिर गया? मेरे कान का ब्लूटूथ। जहाँ ऊंचे नीचे
जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य है।
है फौजी का लाल भाल पे भारत का जयकारा, फौजी का लाल, फौजी का लाल है फौजी का लाल भाल पे भारत का जयकारा, जिसकी रग रग में बहती है देशभक्ति की धारा, बलिदानी धरती पर जो है वीर कलेजे वाला, निर्बल का बल है शहीद परिवारों का रखवाला, सबके सुख दुख का साथी है सबका पहरेदार है। नैनीताल मसूरी औली सबके मन को भाए, फूलों की घाटी हेमकुंड सबको है पास बुलाए, महासुधारी गोलजू हो रक्षा करते जिसकी, गंगोत्री यमुनोत्री मिलकर प्यास बुझाए सबकी, इसको स्वर्ग बनाने वाला सपना अब साकार है। भुवनेश्वर जगेश्वर कष्टों को दूर करे, ओम पर्वत आदि कैलाश मस्तक को तिलक करे, रीठा मीठा साहेब नानक मत्था तुम्हें बुलाए, रानी खेत को सानी सुंदरता को और बढ़ाए, मान सरोवर दर्शन का अब सपना भी साकार है। जवान पीढ़ी का हमदम है मजबूत कलाई, बहनों ने भी मान लिया है जिसको अपना भाई, संस्कृत की रक्षा को जिसने सौंप दिया है जीवन, मोदी जी के सपनों का जिसकी आंखों में दर्पण, सबका साथ विकास सभी का उन्नति का आधार है। हिमालय के जैसा है महादेव का जप है, हरिद्वार से पावनता है ऋषिकेश सा तप है, शीतलता केदारनाथ से बद्री सा बलशाली, भारत की इस जन्मभूमि ने अब तो आस लगा ली, सबसे ऊंचा उत्तराखंड दिल की यही पुकार है। भूमिका सच्चा सेवादार है, दुश्मन धामी देव भूमिका।
फौजी का लाल भाल पे भारत का जयकारा, फौजी का लाल, फौजी का लाल है फौजी का लाल भाल पे भारत का जयकारा, जिसकी रग रग में बहती है देशभक्ति की धारा, बलिदानी धरती पर जो है वीर कलेजे वाला, निर्बल का बल है शहीद परिवारों का रखवाला। पवन वहे संकल्प जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन वहे संकल्प जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब हंसते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, जहाँ पवन
बने संकल्प लिए जन पर्वत गर्व सिखाते हैं जाए नीचे सब रस्ते भक्ति के सुने गाते हैं उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ मैं तुमको शीश नवाता हूँ धन्य धन्य हो जाता हूँ मैं तुमको शीश नवाता हूँ धन्य धन्य मन कर का शिव जी राजा
सबसे पवित्र वो पाऊं, बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य सुनाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, जहां पवन बहे संकल्प, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पद को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पद को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश, समग्र हो विचार नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है।
संगठन का भाव संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को मुग्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित हैं, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित हैं। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंच निष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का सम्मान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का सम्मान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हो अंश। इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। संगठन
की निंदा जिस विमर्श का हो भाव उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को मुग्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम राम के हो अंश तुम दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित है, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित है। समता की है बात एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंच निष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हो अंश। इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है। ऋषियों के हो अंश तुम राम के हो अंश तुम दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो अंश तुम राम के हो अंश तुम दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम राम के हो अंश तुम दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। समग्र हो विचार नीति धर्म का आचार इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव संगठन का हो प्रभाव संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। की निंदा जिस विमर्श का हो भाव उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को मुग्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम राम के हो अंश तुम दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश।
अध्यात्म मानव दर्शन को समर्पित है, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित है। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंत से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंच निष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्म का ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का सम्मान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हो अंश। इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को, बुद्ध बुद्धिजीवियों को, संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित है, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित है। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंत से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंच निष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्म का ही संगठन का सार है।
व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हो अंश। इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। समग्र हो विचार नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को, बुद्ध बुद्धिजीवियों को, संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित हैं, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित हैं। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद, मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंच निष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्म का ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी
इसी लक्ष्य का सम्मान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के होवन इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। समग्र हो विचार नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को बुद्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित हैं, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित हैं। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंच निष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्म का ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है।